योगी मोदी जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। राम जी का पूरा नाम क्या था बता दीजिए? नहीं पता राम जी का पूरा नाम। जो मोदी जी को रोक सके वो रोक ले, 2024 में मोदी जी आएंगे और जो रोक पाए वो रोक ले, आएंगे और आएंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो दुआ करता हूँ मोदी जी आने चाहिए, योगी जी आने चाहिए। अरे रुको, योगी जी आने चाहिए नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ नंद भक्तों पर। दोस्तों इस नंद भक्त का कहना है योगी मोदी मेरे बाप हैं और 2024 में मोदी की सरकार बनेगी। तो इस भाई ने इस नंद भक्त को पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो क्या एक्सपोज करा है आइए वीडियो में देखते हैं, बने रहे हैं वीडियो में आखिर तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुम कुछ भी करो मेरे पास ना टाइम, तुम डालियो कांग्रेस पे जोड़ करके वोट, फिर भी कांग्रेस जिता लियो जाओ, ये सिस्टम ऐसा है। यही नहीं अभी और सुनिए, अब सिस्टम है, सेटिंग है। कांग्रेस के विरोधी हो तुम, कांग्रेस के विरोधी हो, नहीं कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पसंद नहीं तुम्हें, चुनाव चिन्ह पसंद नहीं कांग्रेस का, हाथ कटवा लोगे अपने, हाथ ही तो चिन्ह है उसका, हाथ कटवा लोगे अपने, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है यार ये बात तो सही है। नहीं सुनो, जब ऐसे लोगों को देखता हूँ ठीक है, इनका जो मैंने मानसिक स्तर देखा भाई, मैं वैसे तो सोचता हूँ आदमी सुधर जाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का मानसिक स्तर सुधरना नहीं चाहिए और इनके आगे आने वाली नस्लें बर्बाद होनी चाहिए, आने वाली नस्लें बर्बाद होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार है ना, यू सरकार बहुत टॉप है, टॉप। आज 5 साल पहले ना सिर्फ 9,000 रुपए से ज्यादा यहाँ 6,000 में जॉब ना मिलती, ठीक है। वीडियो बन रही है, चैनल पर जरूर देखना, उसमें कमेंट आएगा नीचे, हाँ। उसमें सब में मजे आएंगे तुम्हारे, ठीक है, सब मजे लेंगे तुमसे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है, और उसमें देख लेना। अब ये बताओ हम की हो गई, यानी मोदी राज में कहना चाह रहे हैं आप, चूतियां हैं हम तीनों, चूतियां हैं पूरी देश की दुनिया, चूतियां है जो उन्हें पीएम सीएम बनाए बैठी है। देश तुम्हारी जैसा ना तीनों जैसा, देश तो अलग है, गजब बेइज्जती है। अच्छा ये बताए महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज में, महंगाई है? देखो शहर में मैं, अरे यू मेहनत कौन सी हो, जैसी तो तुमने करीब आई है ना, जैसी कमाई है वैसी महंगाई है, महंगाई भी है लेकिन बाकी हिसाब से कमाई भी बहुत है, ठीक है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सुनो तुम हमसु बड़े हो, 100 बात की एक बात, हम जा रहे हैं, हम पर टाइम ना है। अगर 70 साल से इतना विकास कर रही है सरकार तुम्हारी, तो क्यों नहीं आ रही? ना जीत रही तो सही है, क्यों ना जीत, क्या बोलेंगे इधर आइए। मैंने अभी मदद है भाई, अभी मदद है, सवाल पूछा था इनसे, सिर्फ एक सवाल पूछा था कि इनके बाप दादाओं ने 70 साल कांग्रेस को वोट दिया, तो बाप दादा मूर्ख थे, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस से सच में काम किया, दो में से एक बात बता दे। ठीक है समझ गया, दो में से कोई एक बात तो सच होगी, या तो इनके बाप दादा मूर्ख होंगे या कांग्रेस ने काम किया होगा इसलिए बार बार आई 70 साल में, तो दो में से कोई एक बात तो होगी। चलो अगर हमारे चल अगर हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को वोट दिए हैं तो हमारे बाप दादा तो पागल है। अब सुनो, पागल की संतान पागल ही होती है, बात खत्म। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।